हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज दिनांक 9 मई 2020 एचडीएफसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड आज अपना रिजल्ट की घोषणा कर दी है। चूंकि आज मार्केट बंद है और एक्सचेंज को रिजल्ट की सूचना जो है ये लगभग 4:30 बजे शाम में दी गई है, और चूंकि एचडीएफसी एएमसी जो है एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है और ये काफी अच्छा कर रही थी, जब से पिछले साल में ये लिस्ट हुई थी तब से काफी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को और काफी चर्चा में रहा है और इसमें काफी उतार चढ़ाव भी रहा है। अब चूंकि अब कोविड-19 के सिनारियो में सारे मार्केट धसे पड़े हैं और विश्व के भी मार्केट धसे पड़े हैं, और इस बीच में ये सारी अच्छी कंपनियां काफी डिस्काउंटेड प्राइस में चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है तो सारे कंपनियों के बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है या महसूस किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में भी जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक इनके रिजल्ट पर जो है लॉकडाउन का असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग, एचडीएफसी एमसी किस प्रकार का रिजल्ट लाई है और कोविड-19 के चलते इस पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको हम लोग रिजल्ट देख करके एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। साथ में रिजल्ट एनालाइज करने के बाद जो दोस्तों उसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि मैंने 16 मार्च को एचडीएफसी एमसी पर एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया था कि एचडीएफसी एमसी फोर्थ क्वार्टर में किस तरह का रिजल्ट लेकर के आएगी, उससे हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। साथ में इसके चार्ट को स्टडी करके टेक्निकली भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में एचडीएफसी का प्राइस बिहेवियर किस प्रकार रहेगा, उसको हम लोग फिर कोरिलेट करेंगे अभी प्रस्तुत किए गए रिजल्ट के अनुसार, उसको हम लोग कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एचडीएफसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में रिटेल स्मार्ट निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। एचडीएफसी एएमसी का रिजल्ट हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एचडीएफसी एएमसी मार्च 2019 में जो इसने रिजल्ट प्रस्तुत किया था उसमें टोटल इसका इनकम 2,096 करोड़ रहा था, और 31 मार्च 2020 को यानी FY20 में इसने जो रिजल्ट प्रस्तुत किया है फुल ईयर का उसमें इनका रिवेन्यू जो है 2,143 करोड़ का रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 19 के रेस्पेक्ट में मार्च 20 में यहाँ हम लोग को पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन अब हम लोग इसका जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर से भी हम लोग मैच करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार का क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट की है। तो हम लोग जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं मार्च 31 2019 में इसने 547 करोड़ का रिवेन्यू पोस्ट किया था, जबकि मार्च 31 2020 को यानी FY20 फोर्थ क्वार्टर में इसने जो रिवेन्यू रिपोर्ट किया है वो 4,049 करोड़ के आसपास है, या बोलिए 4,050 करोड़ के आसपास है। तो 2019 के रेस्पेक्ट में 2020 के Q4 क्वार्टर में हम लोगों को काफी तगड़ी जो है गिरावट देखने को मिली है, यहाँ निगेटिव ग्रोथ दिख रहा है। और दोस्तों, अगर हम इसको दिसंबर क्वार्टर के भी रिजल्ट से अगर मिलान करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर यानी Q3 में इसका जो प्रॉफिट था रिवेन्यू था 592 करोड़ का था, जो कि घट करके मार्च 31 में 2020 को Q4 में ये 450 करोड़ का रह गया। तो यहाँ पर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्रॉसपॉन्डिंग ईयर के बेसिस पर भी गिरावट देखने को मिली है, और आपके दिसंबर क्वार्टर के रेस्पेक्ट से भी जो है इसमें डिग्रोथ देखने को मिला है। तो इस चूंकि ये कोविड का सिनारियो आ गया है और सारे म्यूचुअल फंड वाले एएमसी कंपनी के जो मुख्य जो धंधा होते हैं मार्केट में वो मार्च क्वार्टर में सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह का सिनारियो हुआ है उसमें इनका धंधे पर काफी इम्पैक्ट पड़ा है। तो दोस्तों, अब इसके हम लोग नेट प्रॉफिट पर भी ध्यान
देते हैं कि नेट प्रॉफिट फ्रंट पर इस कंपनी ने क्या किया है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग देख रहे हैं FY19 में HDFC AMC ने 930 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया था, जो कि FY20 में इसने 1262 करोड़ का इसने प्रॉफिट दर्ज किया है। तो यहां पर हम लोग को FY19 के रेस्पेक्ट में FY20 में हम लोग को पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब इसको क्वार्टरली बेसिस पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग देख रहे हैं Q4 FY19 में इसने 276 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, जो कि Q4 FY20 में घट करके 250 करोड़ का रह गया। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इनका COVID-19 का प्रभाव जो है इनके प्रॉफिट पर और बिजनेस पर साफ दिख रहा है क्वार्टरली बेसिस पर, और दिसंबर क्वार्टर में भी इसने 352 करोड़ का जो है प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि घट करके 250 करोड़ रह गया Q4 में। तो हम लोग यहां पर साफ साफ देख रहे हैं COVID-19 का प्रभाव जो है, जिसे बाकी कंपनियों में रिजल्ट पर प्रभाव पड़ रहा है, उस तरह HDFC AMC के भी रिजल्ट में इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो उस तरह से इनका प्राइस करेक्शन भी आया है, जिस तरह से मार्केट में प्राइस करेक्शन आया है उस प्रकार से HDFC AMC का भी प्राइस करेक्शन हुआ है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो EPS है FY19 में 43.87 रुपीज पर शेयर रहा था, वो बढ़कर के लगभग 59.37 रुपीज पर शेयर रह गया है, और क्वार्टरली बेसिस पर इनका EPS में डिग्रोथ देखने को मिला है, जो कि नॉर्मल है। चूंकि हमारा क्वार्टरली बेसिस पर जो है डिग्रोथ देखने को मिला है, इसलिए इनके EPS में भी डिग्रोथ देखने को मिला है। चूंकि ये कंपनी 3 क्वार्टर में काफी अच्छा रिजल्ट की थी, इसलिए इनका ओवरऑल जो एनुअल रिजल्ट है FY20 का उतना उसमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस सारे आंकड़ों को हमने एक्सेल शीट में संग्रहित किया है कंपैरिजन करने के लिए। जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें जो हम लोगों ने एस्टीमेट लगाया था, उससे हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे कि कंपनी किस हद तक एनुअली जो है उस एस्टीमेट को मीट की है, और उसके आधार पर हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि आने वाले क्वार्टर में ये कंपनी कैसा कर सकती है। दोस्तों हम लोग एक्सेल शीट को यहाँ पर देख रहे हैं और इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने एस्टीमेट लगाया था 9 मंथ के रिजल्ट के आधार पर, उसमें हम लोगों ने एस्टीमेट लगाया था कि HDFC AMC जो फुल ईयर में 2036 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करेगी, जबकि जो इसने रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें एक्चुअल रिवेन्यू 2143 करोड़ का आया है। तो यहाँ पर हम लोगों को तकरीबन 3.25% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट फ्रंट में हम लोगों ने एस्टीमेट लगा करके रखा था कि 1350 करोड़ का ये फुल ईयर में प्रॉफिट दर्ज करेगी, और जबकि एक्चुअल में ये 1262 करोड़ का रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को हल्का सा डिग्रोथ देखने को, एस्टीमेट से डिग्रोथ देखने को मिला है। और दोस्तों हम लोगों ने EPS का एस्टीमेट 63.49 लगाया था, जबकि एक्चुअल 59.37 आया। यहाँ पर भी हम लोग के एस्टीमेट से ये हल्का सा EPS में डिग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों जो इनका एक्चुअल FY19 से अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तो FY19 से इनका जो है FY20 में जो रिवेन्यू है उसमें 3.31% का ग्रोथ देखने को मिला है, और FY19 के प्रॉफिट से जो अब FY20 का प्रॉफिट है उसमें तकरीबन 35% का ग्रोथ देखने को मिला है, और FY19 के EPS से FY20 के EPS में तकरीबन 35% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो एनुअल बेसिस पर ये कंपनी ग्रोथ दिखाने में सक्षम रही है, और पहले से इनका रिजल्ट काफी अच्छा हो रहा था, तो COVID-19 का इम्पैक्ट इनके एनुअल रिजल्ट पर काफी कम पड़ा है, जिस तरह से पढ़ना चाहिए था वहां पर कहीं पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों,
तो आने वाले क्वार्टर में Q1 Q2 में हम लोगों को इनके सेल्स एंड रिवेन्यू प्रॉफिट EPS वगैरह में डिग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब इसके टेक्निकल चार्ट को भी एनालाइज कर लेते हैं कि ये किस प्राइस बैंड में चल रहा है और आने वाले समय में ये किस प्राइस बैंड में इसकी चलने की आशा हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग टेक्निकल चार्ट से भी देखेंगे। लेकिन अभी तक का जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से इस शेयर का भाव जो है आने वाले समय में 2400 रुपये से 3200 रुपये के बीच में इस शेयर को ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अब हम लोग चार्ट को भी देख लेते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। दोस्तों यहां पर जो है HDFC AMC का चार्ट हमने खोल के रखा है, तो यहां पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि लोअर बैंड पर ये 2000 के आसपास जो है HDFC का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। यहां पर ये बार बार आकर के ये शेयर जो है बाउंस हो रहा है और ऊपर के स्तर में ये लगभग 2600 के आसपास से जो है ये करेक्शन ले लेता है। तो हम लोग दोस्तों चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, हालांकि इसका एनुअल रिजल्ट अच्छा हुआ है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शेयर जो है जब तक सेंटीमेंट निगेटिव रहेगा तो 2000 से 2600 रुपये के आसपास में इस रेंज में ये ट्रेड करेगा। लेकिन जब भी मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होगा तो हम लोगों ने जो रिजल्ट के आधार पर जो प्राइस रेंज निकाला है, इसका जो प्राइस रेंज है 2400 से 3200 हो जाएगा। लेकिन जब तक इस मार्केट में निगेटिविटी बनी रहेगी तब तक ये शेयर जो है 2000 से 2600 के आसपास ये ट्रेड करेगा। तो दोस्तों अगर किसी इन्वेस्टर को कन्विक्शन है इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक में लोअर बैंड में जब भी ये शेयर जो है करीब 2200 रुपये के आसपास जाता है, 2000 के आसपास, वहां पर इसमें थोड़े थोड़े टुकड़े में SIP मोड में खरीदारी करके लंबे समय तक इसमें निवेशित रह सकते हैं। जब भी मार्केट सुधरेगा तो ये शेयर जो है काफी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।